आज हम लोग हैं एक अन्य व्यू पॉइंट पर। ये जगह जो कहलाती है, जैसे आप दून वैली से थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ें तो ये व्यू पॉइंट मिलता है। ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता बनाया जा रहा है पुरकुल से डोमगांव कर, और डोमगांव से मिलकर के ये रास्ता इस मसूरी रोड पे मिलाया जाएगा। ये इसलिए इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं ताकि एक तो गांव से भी कनेक्टिविटी हो जाए, और दूसरा जो फ्लाईओवर यहाँ से बनने वाला है, जो देहरादून और मसूरी के बीच में एक फ्लाईओवर बनेगा, उस फ्लाईओवर बनने से जो अब यहाँ देखिए सामने से कितना ज़्यादा ओवर क्राउड है, इस क्राउड को कम करने के लिए बाईपास टाइप का एक रोड बना रही है सरकार। तो ये उसी जगह पे आज हम हैं, और ये जो नीचे आपको दिख रही है ये कहलाती है दून वैली। ये पूरी की पूरी दून वैली है। इसका निर्माण जो हुआ था प्लायोसीन काल में, जब इस क्षेत्र में एक इंडो ब्रह्मा नाम की नदी बहती थी, ज्योग्राफी में उसको आपने पढ़ा भी होगा, और उसने अपसाद बहाया और अपसाद बहा करके इस क्षेत्र पे जमा करना शुरू कर दिया था, और इससे शिवालिक हिमालय, जिसे बोलते हैं ना शिवालिक हिमालय, बाह हिमालय भी इसको बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ। और उस समय पे ये जो घाटी थी ये थोड़ी गहरी थी, लेकिन जब वो नदी अपसाद जमा करती गई करती गई करती गई, तो अपसाद के जमा होने से एक लंबी नदी घाटी क्षेत्र पर एक वैली का निर्माण हो गया। बाद में क्या हुआ, भूगर्भिक संचलन हुआ, धीरे धीरे पर्वत में ऊंचाई आना शुरू हो गई, शिवालिक ने अपना सेप ले लिया, और जो नदी घाटी का जो क्षेत्र था जहाँ नदी प्रवाहित होती थी उसका अपसाद वहाँ जमा होता था, वो अपसाद ऊपर उठ गया, नदी का पानी उथला हो गया और समय के साथ वो समाप्त हो गया। और जैसे ही वो पानी समाप्त होता है, एक स्पष्ट वैली यहाँ नज़र आती है, और उस वैली को आज दून वैली के नाम से जानते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में इस इंडो ब्रह्मा नदी की वजह से इस नीचे वाले रीजन पे दो वैलियाँ बनी। पहली आपको ये नीचे दिख रही होगी, ये है दून वैली, जो कि वर्ल्ड फेमस है और उत्तराखंड की सबसे बड़ी वैली है, और जस्ट इसके जस्ट बगल में एक शहर पड़ता है विकास नगर, जो कि सन नगर यानी सेटेलाइट सिटी है देहरादून की, जौनसार संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र भी है वो। वहाँ पर एक पछुआ दून मिलता है, और एक आपको ऐसा ही दून मिलेगा हरकी दून, और वो आपको मिलेगा उत्तरकाशी में, जो डामटा है उसके आगे आपको हरकी दून मिलेगा। तो आज हम इसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से आपको दून वैली, ये नीचे आपको दून वैली दिख रही है, ये दून वैली है, और ये देखिए यहाँ से आपको गाड़ियाँ आती हुई दिखेंगी, ये पूरा एक डेस्टिनेशन है। और ऊपर वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये इलाका कहलाता है झाड़ी पानी, यहाँ से पानी रिसता रहता है, और ये जो नदी आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो नदी है, अब इसमें पानी थोड़ा कम है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा पानी बहता रहता था और ये पानी ऊपर से आता था, तो बोला जाता था ये झाड़ी पानी वाला इलाका है। और ये आप देखिए, और हम लोग इसी जगह पे हैं, ये पानी वाला मोड़ कहलाता है, ऊपर वाला झाड़ी पानी कहलाता है, और यहाँ से एक रास्ता सीधे कटता है जो कि सीधे आपको मसूरी बालूगंज लेकर के जाएगा। तो आज हम लोग उसी व्यू पॉइंट पे हैं, आप लोग देखिए इस जगह को, ये है वो जगह जहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, ये पीछे की ओर गाड़ियाँ आ रही हैं, और ऊपर आपको ये स्पष्ट पहाड़ दिख रहा होगा। तो ये इलाका आपको मिलेगा, ये कार खड़ी हुई है, हमारी कार जिसे हम लोग आए, और ये देखिए आप लोग पूरा इलाका आपको दिखेगा। ये देखिए आपको पूरा इलाका दिखेगा, ये झाड़ी पानी वाला इलाका है ऊपर वाला, और नीचे आपको दिख रही है दून वैली। तो दून वैली ज्योग्राफी का टाइम इसके लिए बनी थी प्लायोसीन काल में, और निर्माण किया था इसे इंडो ब्रह्मा नदी ने, जो कि समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन शिवालिक के साथ दून वैली का भी निर्माण कर गई। तो नीचे आपको दिख रही होगी दून वैली, स्पेशल दून वैली आपको यही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चूँकि वन विभाग की ये ज़मीन है, इसलिए इसका संरक्षण वो करते हैं ताकि जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।